अरे ओ झाड़ू वाले, कौन जी झाड़ू वाला? ये टाइम ने हमारा किस्मत पे झाड़ू फेर दिया। ये सूरत क्या जी, आदमी भी मिलता, बंगला भी ले लिया। वो पुराना घर था ना, वो तो हम पहले से बेच दिया ना, आजकल गटर का पाइप में रहता है। म्युनिसिपैलिटी का स्ट्राइक हुआ तो मेरे को 5 रुपए डेली पे झाड़ू मारने का काम। तो आज हम आपको अब से बनी हुई करीब 40 साल पहले बनी हुई फिल्म, बॉलीवुड के एक लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन जी की फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर जा रहे हैं और उस लोकेशन को देखेंगे जिसको 40 साल पहले फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि आज वहां पर कितना बदलाव है। ये चाचा जो हमारे साथ में है, आपका नाम क्या है? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन नाम है इनका, झारखंड से हैं ये। वैसे हमको नॉर्मली जब हम मुंबई में टैक्सी वगैरह देखते हैं कभी भी, तो यूपी वाले हमको ज़्यादा मिलते हैं इत्तफाक से। आज ये झारखंड से है हमारे साथ में और ये हमको वो लोकेशन पर छोड़ रहे हैं। एक्चुअली मैं हमेशा मैप चालू करता हूँ, लेकिन आज मैप चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने बताया कि एंटी हाउस हमको बहुत अच्छे से मालूम है, हम आपको वहीं पर जाके छोड़ देंगे। यहाँ से एक शिप जाती है गोवा में, मैं उस शिप में, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं क्रूज ही, तो उस क्रूज से एक बार मुझे गोवा जाना है और वहाँ का व्लॉग भी बना के आपको दिखाना है। अंकल एंटी हाउस से हमको कौन सा स्टेशन करीब पड़ेगा? चर्च गेट ही ना, चर्च गेट ही आ जाएंगे हम वापस। वहाँ पर हम वो लोकेशन आपको दिखाएंगे जहाँ पर अमिताभ बच्चन आए थे और उन्होंने अपनी फिल्म का सीन रिकॉर्ड किया था। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको तो पसंद आती ही हैं, मुझे भी बहुत पसंद आती हैं। वो 40 साल पहले बनी हुई फिल्मों की शूटिंग लोकेशन देखना और दिखाना कि आज कितना बदलाव हो चुका है इस सपनों के शहर मुंबई में। अंकल आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? 15 साल से अंकल भी यहाँ पर टैक्सी चला रहे हैं। उससे पहले वो झारखंड में ही रहते होंगे, झारखंड से यहाँ पर आए। फैमिली के साथ रह रहे हो कि अकेले हो? चलिए बढ़िया है। तो बस हम करीब ही पहुंच रहे हैं एंटी हाउस के, जहां पर हम वो लोकेशन आपको दिखा रहे हैं फिल्म के 40 साल बाद। ये फोर्ट एरिया के नाम से फेमस है मुंबई में, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। बच्चे देखो रोड पर यहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं, संडे का दिन है इस हिसाब से खेल पा रहे हैं। एक्शन। हाय फ्रेंड्स, मैं फहीम हूं और आज आपको फिर से एक नई शूटिंग लोकेशन दिखाने आया हुआ हूं। दोस्तों आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही होगी बिकॉज यहां पर ना दोनों साइड में शूट चल रहा है। ये साइड देखूंगा तो इधर एक इंश्योरेंस कंपनी का शूटिंग चल रहा है और अगर पीछे की साइड देखेंगे तो कोई दूसरा शूट चल रहा है, तो इस वजह से मैंने अपनी आवाज़ कम करके रखा हूं। लेकिन मैं आपको ये दिन ख़राब नहीं करना चाहता था मेरा और मैंने सोचा कि आपको वो शूट लोकेशन दिखा दूँ मैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये जगह, ये जो रोड आप देख रहे हो, ये एरिया चर्च गेट का फोर्ट एरिया है। अगर आप यहाँ पर कभी भी आना चाहते हो तो इस जगह को आप एक बार कैमरे से दिखा दो। इसका नाम है एनटीसी हाउस। एनटीसी हाउस के नाम से चर्च गेट में ये जगह फेमस है और फोर्ट का एरिया है, आप यहाँ पर नॉर्मली आके विजिट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं आपको एक फिल्म शूटिंग लोकेशन दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है फिल्म खुद्दार। दोस्तों खुद्दार फिल्म 1982 की है जिसको बन के करीब 40 साल हो चुके हैं। तो 40 साल पहले उस फिल्म का सीन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। अमिताभ बच्चन जी टैक्सी से ये साइड से आते हैं और यहाँ पर आके वो गाड़ी रोकते हैं इस जगह पर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं। जहाँ पर ये इनोवा कार खड़ी है इस जगह पर 40 साल पहले एक कचरे की गाड़ी खड़ी हुई रहती है और कचरे की गाड़ी में जो वो कचरा साफ करते हैं वो एक साउथ अंकल दिखाए हैं फिल्म में, जो कुछ टाइम पहले फिल्म के अंदर
अमिताभ बच्चन जी को टिप देते हैं 90 रुपये का। तो अमिताभ बच्चन जब जी टैक्सी से उतर के उनको देखते हैं कि यार इनकी क्या हालत हो गई, आज ये कचरा साफ़ कर रहे हैं, तो वो इस जगह पर उतरते हैं और बैकग्राउंड में ये विंडो दिखती है। आप ये विंडो का डिज़ाइन देख लो, विंडो का डिज़ाइन ये वही डिज़ाइन है जो फिल्म के अंदर आप देख पा रहे हो। मैंने स्क्रीन शॉट लगा दिया है, आप स्क्रीन शॉट से विंडो का डिज़ाइन मैच कर सकते हो। जब फिल्म बनी थी करीब 40 साल पहले, तो विंडो के ऊपर एक बैनर लगा हुआ था, उसके ऊपर वहाँ कुछ लिखा था। उसके बाद वो फिल्म में यहाँ पर आते हैं, कैमरे का एंगल उस साइड से लिया गया होगा, आप कैमरा उधर से इधर डालें, और वो यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, इधर आके खड़े हो जाते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो उनके NTC हाउस लिखा है और आज भी लिखा है। तो दोस्तों जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी भी आके खड़े हुए थे करीब 40 साल पहले। दोस्तों 40 साल पहले में सब कुछ बदल गया है, अमिताभ बच्चन वो टाइम पर एकदम यंग एज में थे और आज वो बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसे ही वक्त बदल जाता है, लेकिन कुछ यादें और अच्छाइयाँ आपकी हमेशा अच्छे लोगों को और सबको याद रहती हैं। तो दोस्तों हमेशा अच्छाई करें, बिकॉज वक्त बदलता है, आपकी अच्छाइयाँ हमेशा लोगों के मन में रहती हैं और ऊपर वाले के खाते में रहती हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये शूट लोकेशन आपको दिखा रहे हैं, दोस्तों इसी जगह पर वो सब शूट हुआ था। अगर आप ये डिज़ाइन देखेंगे, जो पिलर का डिज़ाइन, आप इनको इधर दिखाओ, पिलर का डिज़ाइन है इधर, तो पिलर का डिज़ाइन आज भी वैसा ही है जैसे 40 साल पहले था। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, समझ सकते हो, आई थिंक ये बिल्डिंग के साथ बना हुआ होगा, और ये बिल्डिंग तो कितनी पुरानी होगी उसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन पिलर को एक बार डिज़ाइन ले लो, जो पिलर का डिज़ाइन है वो आज भी वैसा ही है जो अमिताभ बच्चन जी के पीछे दिख रहा है। दोस्तों इस जगह पर एक बॉक्स रखा था जिसमें लेटर डालते हैं, वो टाइम पर उसका ज़्यादा यूज़ था, आज यूज़ बहुत कम हो चुका है, तो उसके हिसाब से हो सकता है उस बॉक्स को हटा दिया गया है। तो दोस्तों इस जगह पर ये देखो, आपको मैं और एक दो जगह दिखा देता हूँ, थोड़ा आगे आओ, मैं आपको एक दो जगह दिखा देता हूँ। उसके बाद NTC हाउस के बाद कुछ सीन यहीं से देख लीजिए, आप देखिए यहाँ से, अच्छा थोड़ा आगे आ जाओ, मैं वो प्रॉपर वाला आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आगे से यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिज़ाइन। सबसे पहले आप पत्थर का डिज़ाइन देखो, इधर पत्थर का डिज़ाइन देखो, उनके बैकग्राउंड में ये जाली दिख रही है, ये जो देख रहे हो 40 साल पहले भी ये जाली आप देख पा रहे हो फिल्म खुद्दार के अंदर। तो दोस्तों इस जगह पर वो सीन रिकॉर्ड किया गया था। देखिए ऊपर जो ये रेलिंग है ना, वो दोस्तों बाद में लगाई जा चुकी है, लेकिन जो अंदर का विंडो डिज़ाइन जब बिल्डिंग डिज़ाइन होगी तभी बनाया गया था। तो दोस्तों इसी जगह पर चर्च गेट में मुंबई के अंदर यहाँ पर ये सारे सीन रिकॉर्ड किए गए होंगे। दोस्तों आपको भी बहुत काफ़ी अच्छा लगता होगा जब मैं आपको ये वीडियोज़ दिखाता हूँ, और बिलीव मी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सारी लोकेशन देखना और आप लोगों को दिखाना। तो दोस्तों देख लिए, ये डिज़ाइन आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, ये झाड़ बहुत बड़ा हो गया, मुझे लगता है ये भी 20-25 साल पहले पुराना होगा या 30 साल हो गए होंगे, वो टाइम पर तो ये छोटे ही थे। और यहाँ पर ये सीन रिकॉर्ड की, देख एक बार कैमरा इधर घुमा के दिखा दो, इस बिल्डिंग के फ्रंट में ये बिल्डिंग है, अमिताभ बच्चन जी के पीछे आप ये बिल्डिंग भी देख पा रहे हो। तो दोस्तों इसका नाम है NTC हाउस, जो चर्च गेट में है, आप यहाँ पर 10-15 मिनट में चलकर भी आ सकते हो, टैक्सी पकड़ो तो 1 किलोमीटर दूर का सफ़र है, आप यहाँ पे बड़े ही आसानी से कर सकते हो। इसके पीछे ही दोस्तों समंदर है, मुंबई का जो पानी के जहाज जहाँ से इधर उधर जाते हैं वो जगह है, बंदरगाह है, वहाँ पर भी बहुत सारी फिल्मों के शूट हुए हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वो लोकेशन भी दिखाने की, लेकिन हम जानना चाहेंगे पहले कि क्या आपको ये लोकेशन पसंद आई। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर बताना। कुछ लोग चैनल पर लगे बंदे हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, जो हमेशा कमेंट करते हैं, वीडियो को बताते हैं, यार उन लोगों का और भी नए लोग जो चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपकी मोहब्बत जो मुझे कमेंट से मिलती है, एक्चुअली आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई लव फॉर यू। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी ही कोई और लोकेशन आप देखना चाहोगे तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, और वैसी ही लोकेशन हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए ये सब मुंबई के फेमस एरिया, जहां पर अब से देखिए हम 40 साल पहले बनी हुई फिल्म देखे हैं, और हो सकता है इसी जगह पर आपने भी कोई दूसरा शूट देखा हो तो आप हमें कमेंट करके बताना। अगर आप भी कोई ऐसी ही मूवी देखना चाहते हैं, मूवी का शूट देखना चाहते हैं, तो वो भी बताना। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, लव यू गाइज़।